तो डियर हम लोग जो है पढ़ रहे थे हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग। तो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ चैनल। तो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ चैनल यानी कोई भी चैनल हम लोग बनाते हैं जिसके थ्रू हमारा फ्लूइड इट मींस वाटर फ्लो करता है। मेनली हम लोग कनाल ही डिज़ाइन करते हैं जनरली तर, या कोई भी सेक्शन जिसके थ्रू हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो जो सेक्शन बनाएंगे, जो चैनल बनाएंगे, वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, कम पैसा हमारा लगना चाहिए। उसका जब कंस्ट्रक्शन करें तो कम पैसा लगे ऐसा कंस्ट्रक्शन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्चार्ज हो सके, यानी जो वाटर फ्लो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और उसे बनाने में पैसा भी कम लगे और जो पेरीमीटर है यानी उसका जो लेंथ ब्रेथ और जो हाइट है इट मीन्स उसका जो पेरीमीटर निकालेंगे वो भी हमारा कम से कम होना चाहिए, राइट। तो कम से कम पेरीमीटर होना चाहिए, तो उसके लिए हमें यह डिसाइड करना होगा कि किस तरीके का हमारा सेक्शन है, किस तरीके का हमारा चैनल है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें उसको इफ़िशिएंट कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है कि पेरीमीटर को मिनिमम रखना। पेरीमीटर को मिनिमम हम लोग कब रख सकते हैं, जब हमें इकोनॉमिकल बनाना हो, और उसका मिनिमम रखने का रीज़न यह होता है पेरीमीटर को कि उसका जो कॉस्ट ऑफ लीनिंग होता है कनाल का मिलली वो 2 to 2.5 टाइम्स मोर होता है एज़ कम्पेयर टू अनलाइंड कनाल के केस में। इसलिए हम लोग पेरीमीटर जो है कम रखते हैं और उसके कारण से हमारा जो कॉस्ट ऑफ लीनिंग होता है वो कम हो जाता है। इसलिए हम लोग जो है मोस्ट इफ़िशिएंट या मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन जो है हम लोग बना पाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो चैनल सेक्शन आता है वो आता है रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन के बारे में पॉइंट बाई पॉइंट लिख दिया गया है, आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। तो अपना सबसे पहला है रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन। कुछ इस तरीके से हमारा होगा, ठीक है। इसका विड्थ जो है बी होगा, डेप्थ जो है वाई होगा, ठीक है। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, अगर इस सेक्शंस का एरिया निकालेंगे तो एरिया आएगा बी इंटू बाई, पेरीमीटर आ जाएगा बी प्लस टू बाई, है ना। ये विड्थ और ये डेप्थ और ये इस तरह का डेप्थ, तो टू बाई हो गया, ओके। इट मीन्स फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन, फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन यानी MECS, क्या लिखें, MECS मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन के लिए जो डिफरेंशिएशन ऑफ पेरीमीटर होगा विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ वो जीरो होगा। इट मीन्स हमारा यहाँ पे आ जाएगा b प्लस टू वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी वाई इक्वल टू जीरो। इट मीन्स a इज यहाँ पे जो है हमारा आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू टू वाई स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू वाई स्क्वायर, ठीक है।
एंड विर्थ इज इक्वल टू आ जाएगा 2 बाई, वाई इज इक्वल टू आ जाएगा बी बाई टू, एंड हाइड्रोलिक रेडियस ए बाई पी इज इक्वल टू आएगा 2y² / 4y, पी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4y, ओके। तो यहाँ से ये कट जाएगा 2 से और ये 1 से कट जाएगा, यानी r इज इक्वल टू आएगा y/2, ओके। एंड डेप्थ डी जो है ये आ जाएगा हमारा, जो कि हाइड्रोलिक डेप्थ है ना, ये आ जाएगा वेटेड एरिया बाई टोटल एरिया, ये आ जाएगा टॉप विर्थ, है ना, ये टी जो है टॉप विर्थ को बताता है। तो 2y² / b जो है 2y है, तो 2y के इक्वल ही आता है, जो टॉप विर्थ है वो विर्थ के इक्वल ही हमारा आता है फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। किसके लिए? रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। तो d का आ जाएगा वैल्यू इज इक्वल टू y, d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y। ये किसके केस में आया? फॉर रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के केस में। किसके केस में? रेक्टेंगुलर चैनल के केस में। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन। ठीक है, ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन के बारे में। तो ट्रेपेजॉइडल कैसा होता है? इस तरीके का होता है, इसका विर्थ बी है, ये मान लो हमारा टॉप विर्थ है यहाँ तक, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का वी आ जाएगा, इसका जो है 1 × m है, 1:m है, ओके, स्लोप। तो यहाँ पे ये जो है ये स्लैंट हाइट है, और इसका जो डेप्थ है ये हमारा वाई है, ओके। ये मान लो यहाँ पे कोई एंगल थीटा है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग कहें कि एरिया निकालिए, तो एरिया इज इक्वल टू होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड का सम इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो। तो चलो भाई, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो वाई है, समझ में आता है। एंड जो पैरेलल साइड है ये बी है, प्लस ये पार्ट हमें नहीं पता कि कितना है, और इधर भी ये पार्ट हमें नहीं पता कि कितना है। तो वो कैसे निकालेंगे इसको? इस तरीके से स्लैंट हाइट निकालेंगे, ठीक है। तो अगर ये हमें वाई दिया हुआ है, राइट, ये हमें वाई दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है कि ये एम इज इक्वल टू क्या होगा? हमें दो हाइट में पता रहेगा तभी तो कोई एक हाइट हम लोग निकाल पाएंगे ना। तो इसका जो स्लैंट हाइट होता है वो हमें ये वाला निकालना है, ये निकालना है, और ये भी हमें पता नहीं है। तो करें तो क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, कुछ समझ में हमें नहीं आ रहा है। मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू जो है हमारा m बाई है, y इज इक्वल टू m बाई, ये कैसे होगा? अगर एक
मीटर चलता है तो एम चलता है, ठीक है, एक बार चलता है तो एम चलता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, एक मीटर अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो इधर एम जा रहा है, तो अगर ये इधर की ओर ऊपर की ओर वाई जा रहा है ना, ऊपर की ओर अगर वाई जा रहा है तो इधर जो है एम वाई जा रहा है, यानी ये जो है एम वाई हो गया और ये हमारा एम वाई हो गया, ठीक है। तो अगर ये वाई हो गया, ये जो है एम वाई हो गया, तो ये हाइट क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा वाई अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। अब ये कैसे आएगा, तो हम लोग जानते हैं हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर इज इक्वल टू एम वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, ये इसका स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से निकालें, तो अब एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, सम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा कि हाफ इंटू बी प्लस बी सम ऑफ पैरल प्लस टू एम वाई, क्योंकि एक तरफ एम वाई है दूसरे तरफ एम वाई है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो टू एम वाई इंटू वाई आ जाएगा। इट मीन्स एरिया इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे आ जाएगा एम प्लस एम वाई इंटू वाई, एंड पेरीमीटर हमारा ये हाइट, ये हाइट और ये विड्थ, तो आ जाएगा v प्लस टू इंटू वाई इंटू अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग v इज इक्वल टू निकालें फ्रॉम एरिया का यूज करते हुए, तो b इज इक्वल टू होगा एरिया वाई डेप्थ माइनस एम वाई। ये इसलिए हुआ सिंस बोथ स्लोप एंड डेप्थ ऑफ फ्लो वेरीज, क्या होगा, डेप्थ ऑफ फ्लोज जो है क्या होगा, वेरी करेगा। देन इस केस में देन यूज टू केसेस व्हेन स्लोप इज कांस्टेंट अदर नॉट कांस्टेंट, मतलब एक केस हमें वैसा लेना है जिस केस में कांस्टेंट हो, और एक केस वैसा लेना है जिस केस में कांस्टेंट ना हो। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं जब स्लोप को जो है हम लोग कांस्टेंट मानकर चल रहे हैं तब। तो जब स्लोप हमारा कांस्टेंट होगा तो उस कंडीशन में डिफरेंशिएशन ऑफ पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू जीरो होगा, है ना। तो पेरीमीटर हम लोगों ने निकाला, पेरीमीटर हम लोगों ने क्या निकाला, पेरीमीटर हम लोगों ने निकाला b प्लस टू वाई अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। तो उसमें अगर हम लोग b का वैल्यू पुट कर दें तो a बाई वाई माइनस एम बाई होगा, है ना। ये कहाँ से आया, जो एरिया हम लोगों ने निकाला था वहाँ से, ओके। तो उसका वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा ए वाई वाई माइनस एम वाई प्लस टू वाई अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। ये डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डी वाई इक्वल टू जीरो। जब ये किए तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन किए, इसके बाद हमें वैल्यू मिलेगा, पूरा डिफ्रेंसिएशन करने के बाद हमें मिलेगा बी प्लस टू एम बाई टू एम वाई वाई टू इक्वल टू वाई अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ से हमें ये कंक्लूजन मिला कि जो टॉप विड्थ है उसका अगर हाफ कर दे तो वो स्लैंट हाइट निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा,
स्लैंट हाइट निकल जाएगा, क्योंकि ये जो एल है ये क्या बताता है, स्लैंट हाइट, ये वो हाइट होता है जो ये वाला है ना, ये जो लेंथ है इसको स्लैंट हाइट कहा जाता है, ये एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको स्लैंट हाइट कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, स्लैंट हाइट जो है कहा जाता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ओके, और अगला पॉइंट हम लोग लेते हैं, और अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट है हमारा व्हेन स्लोप इज वेरीज या नॉट कांस्टेंट। सेकंड पॉइंट है व्हेन स्लोप इज वेरी, यानी जब स्लोप वेरी करेगा तब के केस में क्या होगा। अगेन उस केस में जब स्लोप हमारा वेरी करेगा तो उसका डिफरेंशिएशन जो है पेरीमीटर का विद रिस्पेक्ट टू एम के रिस्पेक्ट में करेंगे, और वो इक्वल टू जीरो होगा। अब यहाँ पे हम लोग वही वैल्यू पुट करेंगे सेम टू सेम, है ना, तो इसका निकालेंगे तो हम लोगों का आएगा ए वाई डी इन टू ए वाई वाई माइनस एम वाई प्लस टू वाई अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एम इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे फाइनल जो कंक्लूज़न हमें मिलेगा है ना, वो फाइनल कंक्लूज़न हमें मिलेगा कि जब पेरीमीटर को हम लोग जीरो ले लिए तो हम लोगों को मिलेगा कि एम का जो वैल्यू है वो आएगा वन बाई रूट थ्री, क्या जाएगा वन बाई रूट थ्री, और हम लोग जानते हैं कि एम इज इक्वल वन बाई एम इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, है ना, तो एम इज इक्वल टू हो जाएगा वन बाई टेन थीटा, और वन बाई टेन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा, सो कॉट थीटा इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स वन बाई रूट थ्री, जो कि वैल्यू होता है 60 डिग्री का, किसका वैल्यू होता है 60 डिग्री का। अब ये 60 डिग्री का जो वैल्यू है इसे हम लोग जो है पुट करेंगे, अगर इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, जो भी हम लोगों ने इक्वेशंस निकाले हैं चाहे वो फर्स्ट कंडीशंस में निकाले थे या सेकेंड कंडीशंस में निकाले थे, तो जो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला था, स्लैंट हाइट का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला था एल इज इक्वल टू वाई अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर था, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा टू वाई बाई रूट थ्री, क्या आ जाएगा टू वाई बाई रूट थ्री, विर्थ जो है ये हमारा आ जाएगा टू वाई बाई रूट थ्री, यानी दोनों हमारा लगभग सेम आ गया। पेरीमीटर हमारा तब आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा टू वाई बाई रूट थ्री प्लस टू वाई सॉरी ये आ जाएगा वैल्यू पुट करेंगे तो सिक्स वाई बाई थ्री, फाइनल मैं रूट थ्री फाइनल मैं रिजल्ट दे रहा हूँ, एरिया हमारा आ जाएगा रूट थ्री वाई स्क्वायर, एरिया आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। उसके बाद हमारा हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू होता है ए बाई पी, तो ये आ जाएगा वाई बाई टू, हाइड्रोलिक डेप्थ ये आ जाएगा थ्री बाई फोर वाई, एंड जो टॉप विर्थ है टॉप विर्थ ये है बी प्लस एम वाई, तो इसका वैल्यू आ जाएगा फोर वाई बाई, ये टू एम था टू एम बाई था ना, तो ये आ जाएगा रूट थ्री। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट एंड रिजल्ट आया। तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है क्या करते हैं, डिज़ाइन अपना करते हैं मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन का। देखो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे वो इसी पे बेस्ड आएंगे, कैसे होता है कैसा क्वेश्चंस आता है वो हम लोग चलो देखते हैं, बट वो अगली वीडियो में देखेंगे। ओके, अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, और
जो भी टॉपिक्स बता रहे हैं, मुझे पता है कि ये टॉपिक कंप्लीट तो इस सेशन में नहीं हो पाएगा, आप लोगों का बहुत नज़दीक एग्ज़ाम है तो कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, बट जो भी होगा मैं कोशिश कर रहा हूँ अपना एफर्ट देने की। एंड इसका कंप्लीट नोट्स आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो वो नोट्स जो है आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा सकते हैं। बट आपको लगता है कि नहीं हमको प्रिंट आउट नहीं चाहिए, बस मोबाइल में पढ़ने के लिए चाहिए, तो मोबाइल में अगर आपको सिर्फ पढ़ना है एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड कीजिए, इंजीनियर प्लस ऐप, उस ऐप पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे आपको जो है नज़र आएगा मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का नोट्स, इन्वायरमेंटल का नोट्स, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का नोट्स, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे। आप उस पर क्लिक कीजिएगा, एक 10 रुपये आपको पे करना होगा और उसे आप ऐप में पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको पसंद आई हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन्स रहता है, तो आप अपना कमेंट कीजिएगा, आपके हर कमेंट का जवाब हमारी टीम देने की कोशिश करेगी। थैंक यू।